नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोने आचार्य श्री महाकृत्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर की क्लास, बीए थर्ड ईयर की क्लास। टॉपिक है अपना हुमायूं, और यह हुमायूं की तीसरी क्लास है। क्लियर? हुमायूं की पहली और दूसरी क्लासों में मैंने आपको बताया था हुमायूं किस प्रकार भारत का शासक बना, अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद किस प्रकार उसको प्रारंभिक कठिनाइयां हुई, किस प्रकार उसके सहयोगी असहयोगी हो गए, किस प्रकार उसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विघटन किया, किस प्रकार शेरशाह ने चौसा और बीलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त किया और भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना थी उसे वापस हटा दिया, और शेरशाह ने अपने सूरी वंश की स्थापना की यानी द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। अब हम हुमायूं के शेरशाह की मृत्यु और हुमायूं का वापस भारत में सत्ता में आना, इन घटनाक्रमों को पढ़ेंगे। यानी हुमायूं पुनः जो राज सिंहासन है वह प्राप्त करता है, इस घटनाओं को पढ़ेंगे। क्लियर? और इनकी मृत्यु तक हम देखेंगे। नेक्स्ट, हुमायूं के निर्वासन की अवधि में उसका प्रबल प्रतिद्वंदी शेरशाह, जिसने उसे हिंदुस्तान से भगाकर अपने सुशासन द्वारा दिल्ली में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली थी, मई 1545 ईस्वी में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा, वह भी पिता की श्रेष्ठ शासन नीति पर स्थित रहकर प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था, किंतु अफगान सरदारों को उसके वह अपने वश में नहीं रख पाया, और अब 30 अक्टूबर 1553 में उसकी भी मृत्यु हो गई। तो अफगान साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, यानी शेरशाह के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह भी शासक बना, वो भी योग्य था, किंतु अफगान जो सरदार थे वह उसके वश में नहीं थे, किंतु इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसका 12 वर्षीय पुत्र मुबारिज खान गद्दी पर बैठा, जिसकी मुबारिज खान ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मोहम्मद आदिल अदली नाम के नाम से प्रसिद्ध गद्दी पर बैठा वह व्यक्ति बोध विलास में प्रवृत्त था, अतः वह अफगान साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। उधर हुमायूं भारत की ओर वापस देख रहा था, भारत पर अधिकार करने की सोच रहा था, अतः उसने जल्द ही अपनी जो तैयारियां थी वो पूर्ण कर ली। 25 दिसंबर 1554 ईस्वी को वह हुमायूं पेशावर पहुंचा। जब उसने सिंधु नदी पार कर ली तो कांधार में उसका परम विश्वास पात्र व्यक्ति अधिकारी बैराम खां अन्य सैनिक अधिकारियों के साथ उससे आकर मिल गए, यानी बैराम खां भी अब हुमायूं से मिल गया। गखर सरदार सुल्तान आदम के सहयोग और सहायता प्राप्त करने की बातचीत चल रही थी, किंतु वह बातचीत सफल नहीं हुई। परहला के रास्ते पहुंचकर हुमायूं पूर्वी पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलारूर नामक स्थान पर आ गया। यहां उसने अपनी फौजों को 3 भागों में विभाजित किया। उसने एक को सिहाबुद्दीन के नेतृत्व में लाहौर भेजा, दूसरे को बैरम खान तथा अन्य सरदारों के साथ नजीब खान अफगान से मोर्चा लेने भेजा। नजीब खान एक अफगान था तथा उसके अधिकार में हरियाणा का इलाका था। लाहौर बिना किसी संघर्ष के ही मुगलों के अधिकार में आ गया। कुछ दिनों के बाद 1555 हुमायूं भी यहाँ चला आया। वह नगर व जिलों में सुव्यवस्था के प्रबंध करने लग गया। उधर शहबाज खां अफगान से कुछ दिनों के भयंकर लड़ाई के बाद बैरम खां ने नजीब खां को खदेड़ दिया, यानी बैरम खां एक योग्य सेनापति था और उसने नजीब खां अफगान को खदेड़ दिया और हरियाणा का प्रदेश भी जीत लिया। वहां से जालंधर चला गया और जालंधर से बैराम खां तथा अन्य सरदार लुधियाना से 19 मील पूर्व सतलज के किनारे मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर पहुंचे। मच्छीवाड़ा
मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर पहुंचे। यहां पर मुगल अफगानों के मध्य विकट मोर्चा डटा। अफगान फौजें नजीब खान, तातर खान तथा अन्य प्रमुख सरदारों के नेतृत्व में थी। नजीब खान और तातर खान, यह घमासान युद्ध उस दिन 15 मई आधी रात के ऊपर तक चलता रहा, यानी 15 मई तक यह युद्ध चलता रहा 1555 में। सौभाग्य से अफगान फौज में कहीं आग लग गई, यानी अफगान जो फौज थी उसमें आग लग गई फौजियों के शिविर में। इसकी लपटों के प्रकाश में मुगल सैनिकों ने अफगान फौजियों की सारी स्थिति को समझ लिया और उन्हें तोपे और तीर कमानों का ठीक निशाना बनाने लगे। बड़ी सहायता और सफलता मिली। खूब जी तोड़कर लड़ने पर भी अफगान फौजी दस्ते की कतारें सुबह होते टूटने लगी और सैनिक युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। बैरम खान ने सरहिंद अधिकृत कर लिया और शीघ्र ही पूरी तैयारी कर डाली। मच्छीवाड़ा की लड़ाई से फलस्वरूप मुगलों ने लगभग संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। सिकंदर सूर को, जो हिंदुस्तान में अपनी श्रेष्ठता जताने वाले 3 बादशाहों में से एक था, बुरी तरह भयभीत कर दिया, यानी सिकंदर सूर को बुरी तरह भयभीत कर दिया। सरहिंद को पुनः प्राप्त कर लेने के इरादे से 27 अप्रैल 1555 को 80,000 की फौज लेकर सिकंदर सूर दिल्ली चला गया, क्योंकि इस बार मुठभेड़ होने की आकांक्षा थी। इसलिए बैरम खान की प्रार्थना पर लाहौर में हुमायूं भी उसके साथ आ मिला। सरहिंद के निकट ही दोनों की फौजें 22 जून को भयंकर लड़ाई हुई। सिकंदर की इस विशाल फौज को देखकर उसके आगे आगे हाथियों की पंक्ति खड़ी थी। पहले तो युद्ध से मुगल सहम गए थे, किंतु बैरम खान के सफल नेतृत्व ने उन्हें अंत में विजयश्री प्राप्त करवा दी। सिकंदर को बुरी तरह खदेड़ दिया गया और वहां से वह पहले मानकोट से उत्तर पश्चिमी पंजाब की पहाड़ियों में जाकर छिप गया। इस अविस्मरणीय विजय लाभ के पश्चात हुमायूं ने सरहिंद में पदार्पण किया और वहां से वह सोमन गया, जहां कुछ दिन बिताए। इसके बाद वह दिल्ली की ओर चल पड़ा। 15 जुलाई 1555 ईस्वी को वह वहां पहुंचा। 23 जुलाई की शुभ घड़ी में उसने दिल्ली शहर में प्रवेश किया। 15 वर्ष के बाद पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा, यानी 20 जुलाई 1555 को वह दिल्ली में गया और वहां पर बैठा। उसने सरहिंद में भी कुछ फौजी दस्ते रखकर सिकंदर सूर का पीछा करने के लिए भेज दिए थे। अब बादशाह ने अपने बेटे अकबर को, जो उस समय पहले ही युवराज घोषित कर दिया गया था, उसके शिक्षक बैरम खां के संरक्षण में पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। यह कार्य इसलिए आवश्यक था कि पंजाब की ओर सिकंदर सूर की उछल कूद जारी थी और उसके सैनिकों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई थी। बादशाह ने अली बुली खां शहबानी को कंबत बेग नामक एक विद्रोही को दबाने के लिए बदायूं भेजा, जिसे आसानी से हरा दिया। आगरा उसके सीमावर्ती जिले पर अधिकार करने की तैयारियां शुरू कर दी। इस अवसर के थोड़े महीनों में ही हुमायूं ने उन क्षेत्रों के बहुत से भागों को पर अधिकार कर लिया जो पहले उसी के कब्जे में थे, यानी मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं विजय हुआ और वापस दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया 1555 में। हुमायूं 1540 से 1555 तक हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था और 1555 में वह भारत पर वापस अधिकार किया, यानी बीच के 15 वर्ष वह भारत में नहीं था। 15 वर्ष तक द्वितीय अफगान साम्राज्य के शासक ही यहाँ पर शासन कर रहे थे। हुमायूं के अंतिम दिन क्लियर, अब उसने हिंदुस्तान की वापस दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली थी। सिंहासन पर आसीन होते समय बादशाह के सम्मुख अनेक जटिल महत्वपूर्ण कार्य थे। 15 वर्ष पहले राज्य क्षेत्र का थोड़ा सा भाग ही उसके अधिकार में आया और इस सीमित क्षेत्र में भी ऐसे विद्रोही सरदारों की संख्या कम न थी जिसे दबाना आवश्यक था। इन विद्रोही में अफगान ही अधिक थे। सबसे अधिक कठिन एवं महत्वपूर्ण कार्य था एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था स्थापना की जाए और प्रजा की सहानुभूति प्राप्त की जाए। हुमायूं विद्रोही सरदारों को दबाने में जुट गया, साथ ही मुगल सत्ता पुनः की स्थापना की तैयारी भी करता रहा, लेकिन शेरशाह सूर की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया, यानी जो शेरशाह ने व्यवस्था स्थापित की वही व्यवस्था उसने जारी रखी।
शेरशाह का शासन तंत्र उसके अधिकारियों के पारस्परिक संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण के कारण थोड़ा छिन्न भिन्न हो गया था। बादशाह का अंतिम समय भी अब निकट आ रहा था। 24 जनवरी 1556 को संध्या के समय दीनपना नामक भवन समूह, जिसे बाद में शेर मंडल भी कहा जाता था, के अंतर्गत पुस्तकालय की छत पर बैठकर कुछ विशिष्ट सरदारों और ज्योतिष शास्त्र वेताओं से विचार विमर्श कर रहा था हुमायूं कि नक्षत्र के उदय होने पर एक दरबार का आयोजन किया जाए। इसी समय उसने पास वाली मस्जिद में मुल्लों की अजान देते हुए सुना। सांझ की नमाज पढ़ने के लिए वह उठा और डालू सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आने लगा, किंतु दुर्भाग्यवश उसका बैंत हाथ से छूट गया और वह सीढ़ियों पर गिर पड़ा। यानी वह बैंत लेकर चलता था बुढ़ापे में, वह हाथ से छूट गई, गिर पड़ा, उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई। बैंत यहाँ से उसे महल ले जाया गया। होश में आने पर ज्ञात हुआ कि उसे गहरी चोट पहुँची है और उसकी हालत, हुमायूं की हालत अच्छी नहीं है। इसलिए उसने अकबर को बुलावा भेजा और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया। 27 जनवरी 1556 को वह इस संसार से कूच कर गया। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। यानी दीनपना नामक की डलवा जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से उतर रहा था, उसके हाथ से लकड़ी छूट गई और वह गिर पड़ा और उसके सिर पर चोट आई। गहरी चोट थी, वह ठीक नहीं हो सका और वह 27 जनवरी को इस संसार से रुखसत हुआ। इस प्रकार हुमायूं की मृत्यु हो गई और नेक्स्ट जो शासक है अकबर को उन्होंने बुलावा भेज दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुमायूं के चरित्र की। हुमायूं को एक भद्र पुरुष मानने के दो राय नहीं है। तात्कालिक तथा आधुनिक इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि व्यक्ति के रूप में उसका चरित्र लगभग पूर्ण सा था। वह अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र था। उसने पिता के जीवन काल में ही और उसके बाद भी उसने उसकी आज्ञा का पालन किया और किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं की। बाबर के अंतिम वचन कानों में सदैव गूंजते रहे और उनका पालन भी दृढ़ता के साथ उसने किया। एक या दो बार नहीं, कई बार अपने दूरत एवं विश्वासघाती भाइयों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई और न ही उसके मन में विचार आया। उसका सिंहासन ही नहीं, उसके जीवन तक संकट में पड़ गया। उसकी माता महिमा बेगम के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा थी। अपने अनेक संबंधियों के साथ बड़ा वह प्रेम पूर्वक बर्ताव करता था। बहुविवाह की प्रथा के अनुसार यद्यपि उसकी बहुत सी पत्नियां थीं, तथापि उन सब में के साथ वह स्नेह से संबंध रखता था। अपने बच्चों को और विशेषकर अकबर को वह जी जान से प्यार करता था। मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा तथा ऐसे ही अनेक संबंधियों से निरंतर विद्रोह करते रहने पर भी बार बार उन्हें क्षमा प्रदान करता रहा। उन्हें ऊंचे पदों पर उदारतापूर्ण पूर्वक वहां पर बैठाया। अपने पिता की भांति वह अपने अधिकारियों और सेवकों के साथ घुलता मिलता था। उसने सुख दुख में शामिल होता था, उनके सुख दुख में शामिल भी होता था। विद्वानों का सत्संग का वह बड़ा प्रेमी था। इसके साथ ही समय समय पर वह संस्कृत और धर्म संबंधी अनेक विषयों पर चर्चा करता था। यानी विद्वानों से मिलना, उनसे चर्चा करना, धर्म संबंधी ज्ञान संबंधी उसको बड़ा अच्छा लगता था। स्वयं एक विद्या प्रेमी होने के साथ साथ तुर्की, फारसी, गणित, ज्योतिष, मुस्लिम धर्मशास्त्र में उसकी अच्छी रुचि थी। यानी वह खूब पढ़ा लिखा था और पढ़ाई लिखाई की बातें भी करता था। सुप्रसिद्ध विद्वानों को भी आदरपूर्वक वह अपने यहाँ रखता था और उनकी जो कुछ सहायता वह कर सकता था अवश्य करता था। भाषा शैली और शब्द लेखन में वह कभी कभी लापरवाही कर जाता था। लच्छेदार और अस्पष्ट भाषा उसे बहुत पसंद थी। क्लियर? यह सब होते हुए भी वह अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति था। दूसरों से वार्तालाप करते समय वह बड़ा ही विनम्र रहता था। वह बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता था। उसका व्यवहार अत्यंत आकर्षक और स्वरूप बड़ा ही भव्य था। फरिश्ता ने लिखा है वह बड़े शानदार डील डोल वाला आदमी था। यानी अच्छा दिखता था। रंग उसका ताम्रवर्ण का सा था। हुमायूं के चरित्र में उदारता और कोमलता की मात्रा इतनी अधिक थी जितनी इन सद्गुणों में संभव हो सकती थी। यानी वह
बहुत कोमल और दूसरों की बात सुनने वाला और बड़ा ही सद्गुणी व्यक्ति था। दान दक्षिणा और उदारता की प्रवृत्तियों से वह पूर्ण संपन्न था, यानी समय समय पर वह दान भी देता था और इन बातों को वह समझता भी था। हुमायूं एक निष्ठावान मुस्लिम था, सुन्नियों जैसी कट्टरता उसके स्वभाव में नहीं थी। 5 वक्त की नमाज वह नियमित रूप से पढ़ता था, इसके साथ अन्य धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करता था। वह अपने पिता की भांति सांप्रदायिक कट्टरता से दूर रहता था, यानी वह अपने पिता की भांति सांप्रदायिक कट्टरता से दूर रहता था और सारे मुस्लिम रीति रिवाज को वह अपनाता था और उन्हें अपने जीवन में लागू किए। उसने 5 बार नमाज वह नियमित रूप से पढ़ता था। शिया मतावलंबियों के प्रति भी उसके हृदय में द्वेष भाव नहीं था, यानी एक शिया मुसलमान एक वर्ग है, उनके प्रति भी उसके मन में हमेशा श्रद्धा ही थी, स्नेह ही था। उनके लिए वह कभी भी उनके हृदय पर द्वेष भावना नहीं थी, हमेशा अच्छी बात ही रखता था। उसकी पटरानी हमीदा बानो शिया बेगम थी और उसका इसी तरह उसका अत्यंत विश्वास पात्र सेवक बेरम खां भी शिया था। उन दिनों की प्रचलित रीति रिवाजों उसने विदर्भी मुसलमानों पर अत्याचार करने से इनकार कर दिया। जब वह फारस में था सियामत के रीति रिवाज को भी अपनाता रहा, यद्यपि यह उसके स्वभाव और विचार विश्वासों के अनुकूल नहीं था, किंतु जहाँ तक हिंदुओं के साथ व्यवहार की बात है वह अपने समय से ऊपर नहीं उठ सका। किंतु आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि बाबर ने हुमायूं का आदेश दिया कि हिंदुओं के साथ सहनशीलता का बर्ताव करें, यानी हिंदुओं के साथ भी सहनशीलता वाला ही बर्ताव करें। चाहे यह आदेश ठीक हो या जाली हो, हुमायूं अपनी बहुसंख्यक प्रजा हिंदू प्रजा के धर्म कर्म को उसी की तरह छेड़छाड़ नहीं करता था, यानी हिंदुओं जो उसकी बहुसंख्यक प्रजा थी उनके जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनसे छेड़छाड़ नहीं करता था, जिस तरह मुसलमानों से पहले मुसलमान सुल्तान करते थे, यानी मुगलों से पहले जो मुसलमान सुल्तान थे वह हिंदू प्रजा पर धार्मिक अत्याचार करते थे, उनके धर्म से छेड़छाड़ करते थे। हुमायूं ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अपने धर्मावलंबियों को वह बहुत ही पक्षपात करता था और यद्यपि यह नीति सदैव हानिकारक सिद्ध हुई, यानी वह हुमायूं से पहले जो शासक थे मुस्लिम उनके बारे में। कालिंदर में उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उनके धार्मिक विश्वासों पर चोट पहुंचाने से भी वह नहीं चूका, किंतु इतना जरूर है कि कई निर्मम प्रताड़क नहीं था और न ही हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोई सुनिश्चित योजना अपनाई थी, यानी उससे पहले जो शासक थे वह मंदिर भी तोड़ देते थे, पर हुमायूं ने ऐसी किस तरह की बात नहीं करी। शारीरिक दृष्टि से काफ़ी शक्ति संपन्न था ही, सैनिक भी वह बुरा नहीं था, युद्ध करते समय बड़े साहस से काम लेता था, जैसा कि खानवा और पानीपत के युद्ध में उसने अपने युद्ध में वीरता का स्पष्ट रूप से उदाहरण प्रस्तुत किया था। युद्ध क्षेत्र में प्राय अपने जीवन तक को खतरे में डाल देता था, संकट के समय वह धैर्य से काम लेता था और किसी भी तरह की दुख दर्द कष्ट अभाव को वह मजे से सहन कर लेता था। युद्ध कौशल में वैसे तो वह बहुत निपुण था, किंतु अपने पिता बाबर तथा अपने प्रतिद्वंदी शेरशाह की तुलना में वह नहीं ठहरता था, यानी शेरशाह और बाबर उससे ज़्यादा शक्तिशाली और वीर पुरुष थे। एक श्रेष्ठ सेनापति की विशेषताएं उसके अंदर नहीं थी, यानी वह अच्छा सेनापति नहीं था, न ही एक श्रेष्ठ नेता का आकर्षण ही उसके व्यक्तित्व में था। वह सैनिकों और फौजी दस्तों जो उसके पिता बाबर का अनुगमन करते हुए विजय प्राप्त करते हुए चले जाते थे उसके एक संकेत मात्र पर चलते थे, हुमायूं के विरुद्ध बार बार विद्रोह खड़ा कर रहे थे। यानी जब बाबर उन सैनिकों को लेकर चलते थे तो बाबर एक इशारा करता था तो वह अपना काम कर जाते थे, किंतु हुमायूं के साथ ऐसा नहीं था। हुमायूं अगर कोई आदेश देता तो सैनिक कभी कभी मानते भी नहीं थे। अब एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में रह गई। हुमायूं के राज्यकाल के अंदर अनेक दो निर्गुण घुस गए तथा आंतरिक कलह ने तो उसकी शक्ति ही काफ़ी क्षीण कर दी। रण कौशल के मुगल तरीकों को हुमायूं ठीक प्रकार से काम में नहीं ले सका, न ही अपनी फौज को ही वीरता के लिए प्रेरित कर सका, यानी ओजस्वी वक्ता नहीं था जैसे बाबर था। कमांडर के रूप में उसने मुश्किल से ही कभी अपने दुश्मनों की कठिनाइयों का लाभ उठाया होगा।
इसके विपरीत वह सदैव अपने विरुद्ध युद्ध शक्ति को संगठित करने के लिए अवसर ही देता रहा। यानी वह सामने अगर कोई युद्ध करना चाह रहा है उसको समय चाहिए तो उसको समय भी दे देता था, ऐसा एक कमांडर था वह। यानी इतना बोलते ना तन तेज बुद्धि वाला नहीं था। हुमायूं को एक अच्छा प्रबंधक और सुयोग्य शासक भी नहीं कहा जा सकता। रचनात्मक नीतिज्ञता का अभाव होने के कारण अपने अधिकृत क्षेत्रों में एक श्रेष्ठ और सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करने की बात ही उसे नहीं सूझती थी। यानी अच्छा प्रशासन कैसे किया जाए उसको ये बातें आती नहीं थी। प्राय यह कहा जाता है कि शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसे समय नहीं मिला, लेकिन यह तर्क मिथ्या है। भारत निष्कासन निर्वासन से पहले उसने लगभग 10 वर्षों तक राज्य किया था, लेकिन उस समय भी जनता की नैतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति को वह नहीं सुधार सका। यानी वह 1540 में जब निष्कासित हुआ था उससे पहले उसे 10 वर्ष मिले थे, फिर भी वह जनता की किसी भी प्रकार की सामाजिक नैतिक और आर्थिक उन्नति को नहीं कर पाया था। सत्य तो यह है कि इस प्रकार के कार्य संपन्न करने की उसमें क्षमता ही नहीं थी। पुनराज्य प्राप्ति के पश्चात लगभग 1 वर्ष के शासनकाल में उसने शेरशाह सूरी के श्रेष्ठ शासन व्यवस्था को फिर से जमाने के लिए कोई प्रारंभिक प्रयत्न नहीं किए, जो थोड़े नियम कायदे से शासन काल में सोच विचार से बड़े ही घटिया थे। उसने सामंतों और अधिकारियों को उसने जिस रूप में 3 वर्गों में विभाजित किया वह भी उसकी स्वसन इच्छा का ही निरर्थक परिणाम था। शासन के लिए इससे कोई मतलब नहीं हुआ। एक अन्य लेखक के अनुसार हुमायूं ने अपने सरकारी अधिकारियों को 12 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक श्रेणी एक तीर चिन्ह से संबोधित किया। यह भी बादशाह के मस्तिष्क की एक विचित्र कल्पना थी। सप्ताह के 7 दिन वह 7 तरह की पोशाक पहनता था। याद रखना बच्चों, हुमायूं ज्योतिष में बड़ा विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिनों तक वह 7 अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहनता था। शनिवार को काले, सोमवार को सफेद, इस तरह से 4 दिन भी वह विभिन्न 5 दिन भी वह विभिन्न पोशाकें पहनता था। ज्योतिष में के विचार से ही वह ऐसा करता था, लेकिन शासन कार्य से तो कोई संबंध नहीं था। बादशाह के कुछ ऐसे अनेक विचित्र से नियम कायदे लेखे जो कि तात्कालीन लेखकों की पुस्तकों में भी मिलते हैं। लगान शासन संबंधी अन्य दिशा में कोई ठोस कार्य उसने नहीं की। उसकी बड़ी कमी यही थी कि सुनिश्चित सुविचारपूर्ण योजना उसके सामने नहीं रहती थी। एक काम को सफलतापूर्वक संपन्न किए बिना दूसरा काम हाथ में ले लेना उसकी आदत थी। यानी एक काम करते करते दूसरा काम करते लग जाना, ये एक विचित्र आदत उसकी थी। असल में शासन संबंधी शुष्क बातों से उसका मन नहीं लगता था। ये शुष्क बातें लगती थी, ऐसे इन बातों में उनका मन नहीं लगता था। चाहे यह कथन कितना ही विचित्र हो, लेकिन यह सत्य है कि जिम्मेदारी संभालना और निभाना के भाव बादशाह के अंदर नहीं था। यानी बादशाह न तो जिम्मेदारी लेता था, न ही उसको संपादन करता था। ऐसी विचित्र बातें उसके मन में कभी नहीं आती थी, न ही उसको रुचि थी। यह बातें उसको शुष्क लगती थी, यानी यह बातें उसको अच्छी नहीं लगती थी। राज्य अधिकार के संबंध में उसकी धारणा शेरशाह सूरी से बिल्कुल भिन्न थी। शेरशाह का मानना था कि राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की भलाई करना है। अपने अधिकारियों और अपनी फौजों में हुमायूं किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सका और यही कारण है कि उसने अपने पिता की भांति वह उनसे आज्ञा पालन नहीं करवा सकता था। यानी उन्होंने कोई रुचि नहीं ली हुमायूं ने, अच्छा वह भी अपने पिता के समान नहीं था। और वह जैसे उसके पिता के राज्य में जनता अधिकारी कार्य करते थे, वह अपने राज्य में वैसे काम नहीं करवा सका। सबसे बड़ा दुर्गुण उसके अंदर प्रमाद था और कभी कभी वह ऐश्वर्य की जिंदगी में डूब जाता था। अफीम खाने और भोग विलास में बुरी तरह लिप्त रहने से उसकी बहुत सी मौलिक प्रतिभाएं नष्ट हो गई। यानी वह अफीम खाता था और आमोद प्रमोद में डूबा रहता था, रंगरेलियां मनाता था, अतः जिससे उसकी जो व्यक्तिगत प्रतिभा थी वह नष्ट हो गई। अपने भाई बंधु एवं सगे संबंधियों के प्रति अतिशय उदारता का व्यवहार बरतने और उन्हें बार बार क्षमा प्रदान करने की प्रवृत्ति सुव्यवस्थित एवं सुनियंत्रित रूप से सरकार चलाने में बहुत बड़ी बाधा हुई। यानी वह अपने जो सगे संबंधी थे, भाई बंधु थे, उनको हमेशा माफ ही करता था और माफ़ करने से वह बार बार विद्रोह करते थे, हुमायूं उन्हें माफ़ कर देता था। शासन चलाने में यह जो प्रवृत्ति है यह बहुत बड़ी बाधा के रूप में उभर गई थी। यद्यपि
उसका नाम हुमायूं था, जिसका अर्थ भाग्यशाली, यानी हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। भाग्यशाली किंतु दरअसल वह एक बदकिस्मत शासक था। दूसरों के प्रति उदार सहृदय और भला व्यवहार करने के बावजूद वह एक ऐसा शासक के रूप में सफल नहीं सिद्ध हुआ, लेकिन फिर भी उसका सौभाग्य था कि अपने जीवन के अंतिम समय में दिल्ली का ताज उसे पुनः प्राप्त हो गया, जिसके बिना हमारे देश के इतिहास में उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं माना जा सकता था। इन सबसे अधिक सौभाग्य की बात उसके लिए क्या थी, यानी हुमायूं के लिए अर्थ है सौभाग्य, किंतु वह जीवन भर दुर्भाग्य में ही जिया, पर उसके लिए एक ही सौभाग्य की बात थी कि वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में 1555-56 में वह भारत पर वापस मुगल साम्राज्य की स्थापना उसने कर दी। यही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात थी। इन सब का अधिक सौभाग्य की बात उसके लिए यही थी कि अकबर जैसा उसका पुत्र था, जिसे आगे चलकर भारतवर्ष के अधिकांश भाग पर अधिकार प्राप्त कर लिया, देश में एक ऐसी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था स्थापित की जिसकी गणना उस समय संसार की सर्वोत्तम शासन प्रणालियों में की जाती है, और हुमायूं तथा मुगल राजवंश के नाम पर उसकी कीर्ति को आगे बढ़ाया। यानी बात करते हैं उसके लिए, तो हुमायूं ने अपने अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य की वापस स्थापना कर दी, साथ ही उसने उसके अकबर जैसा एक योग्य पुत्र था, अकबर जैसे योग्य पुत्र ने के लिए उसने एक जगह छोड़ी, एक राज्य छोड़ा, और जिस पर चलकर अकबर ने आगे संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया और ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसने उस समय संसार की सर्वश्रेष्ठतम शासन व्यवस्थाओं में उसे गिना जाने लगा। यह उसके लिए एक सौभाग्य की बात थी। और अकबर ने भारत में मुगल वंश को एक छोर से दूसरे छोर तक फैला दिया था। यह हुमायूं के लिए सौभाग्य की बात थी, बाकी उसके जीवन में दुर्भाग्य से भरा पड़ा था। वह अपने सगे संबंधियों, अपने भाइयों और अपने सैनिकों अधिकारियों का वह पूर्णतः सहयोग नहीं ले पाया, नहीं अपने इच्छा अनुसार उनसे कार्य करवा पाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में जनरली मैंने आपको उसके चारित्रिक विशेषताएं, भारत पर पुनः सत्ता आरूढ़ बता दिया है। एक बार छोटा सा एनालिसिस और कर लेते हैं। यानी हुमायूं ने मछीवाड़ा के युद्ध में पंजाब तक अधिकार किया। 1555 के सरहिंद के युद्ध के पश्चात वह भारत में प्रवेश हुआ और 1523 जुलाई 1555 को वह दिल्ली पहुंचा और सिंहासन आरूढ़ हुआ। और इतिहासकार लेनपुर उनके बारे में लिखते हैं, हुमायूं जीवन भर लड़ खड़ाता रहा और लड़ खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी वह जीवन भर क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान भागता रहा, लड़ खड़ाता रहा, इधर से उधर, उधर से इधर, और अंत समय में अपनी जो पुस्तकालय है दीन बनाम उसकी सीढ़ियों से गिरकर वह उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए यह कथन उसके लिए उपयुक्त है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़ खड़ाता रहा और लड़ खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। मालिक सर ने लिखा है, हुमायूं वीर प्रसन्न चित्त हसमुख मोहक चित्र उच्च शिक्षित उदार व दयावान था, किंतु उसमें अनेक दोष भी थे। वह विचारहीन व अस्थिर था, यानी उसके पास विचार नहीं आते थे उसको, और अस्थिर व्यक्ति था। क्या काम करते क्या काम करने लग जाता, उसमें कर्तव्य प्रायणता का अभाव था तथा उदारता एवं फिजूल खर्ची से अधिक थी। यानी वह उदारता और फिजूल खर्ची उसमें बहुत अधिक थी। वह उदार मन से ही सबको माफ कर देता था और अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी कितना ही धन लुटा देता था। इसी उदारता के कारण उसके सामने अनेक विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और इसी प्रकार उसके पास धन का अभाव हो गया, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। हुमायूं निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसका अगर मुगल वंश में कहीं स्थान है तो वह बाबर का पिता है, और उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भारत में पुनः अपनी सत्ता की स्थापना कर ली। यही बहुत बड़ी बात। हुमायूं का अगर पूरा एनालिसिस किया जाए तो वह साहित्य प्रेमी था, बहुत से साहित्यकारों को अपनी सभाओं में बुलाता था,
उनसे विचार विमर्श करता था, इसलिए वह एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति था, किंतु उदार और दयावान का गुण उसमें बहुत अधिक था। आज आपके सामने मैंने हुमायूं के बारे में पढ़ा दिया है, आप बच्चे सारा का सारा मटेरियल देखें, पढ़ें, सुने और आपको इससे जरूर ही लाभान्वित होगा। और दूसरी बात ये की जाएगी कि हुमायूं से संबंधित आपके अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा और वो आपके सिलेबस में है। तो याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लेनपुन का कथन आ सकता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई, स्पष्ट कीजिए। तो आपको उसके जीवन के जो उसकी घटनाएं थी, कैसे साम्राज्य को बांटा, कैसे रिक्ते राजकोष था, कैसे उसने क्या किया, ये सारी बातों का समावेश आपको करना चाहिए कर पड़ेगा। उसके बाद उसके आंसर को आपको संपादित होगा आपका, क्लियर। और बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जो नेक्स्ट क्लास में, और वो अपना एक नया टॉपिक होगा। थैंक यू।